दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर एक और माय ग्लैम का प्रोडक्ट लेकर आ गई हूँ आपके सामने रिव्यू करने के लिए। ऐसे मौसम काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी शांति है, सो मैं एक ही दिन में लाइन से काफ़ी सारी वीडियोस शूट कर लेती हूँ, बिकॉज अदरवाइज बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आने लग जाता है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट माय ग्लैम टोटल मेक ओवर FF क्रीम 5-in-1। एंड ये प्रोडक्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो माय ग्लैम के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे ये लगा है। एंड क्यों लगा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, सो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना। एक अनाउंसमेंट है, मैं सेल्फ मेकअप कोर्स करा रही हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना। आप लोगों को बहुत ही सस्ते दामों में सेल्फ मेकअप कोर्स सीखने को मिलेगा एंड आप बहुत अच्छे से बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह अपना खुद का मेकअप कर सकते हो, मुझसे सीख सकते हो ऑनलाइन फेस टू फेस, मुझसे बातें कर सकते हो, मुझसे मेकअप को लेकर सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लियर होंगे आपके। एंड सिर्फ 7 डेज का मेकअप कोर्स है, महीनों नहीं लगेंगे, सिर्फ 7 दिनों में आप मेकअप सीख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो 5-in-1 प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, स्किन टोन करेक्टर, 5 चीज़ें हैं। सो सबसे पहले तो मैं इसमें बता दूँगी, इसमें कंसीलर फाउंडेशन के लिए ओके है, बट कंसीलर के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बिकॉज कंसीलर लाइक कंसिस्टेंसी या आप बोल सकते हो कवरेज इसमें नहीं है। एज यू कैन सी दिस इज़ द पैलेट, इसमें मिरर भी दिया हुआ है एंड एक येलो टोन है, एक ऑरेंज टोन है, एक मेरी स्किन टोन है। सो ये मेरे पास जो पैलेट है ये है शेड नंबर, मुझे याद है ये कैपेचिनो है बट लिखा कहाँ है, आई थिंक इसके कार्टून में लिखा होगा, इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। यस, ये रहा शेड नंबर कैपेचिनो एंड इसकी 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है, 1450 रुपये, 1450 रुपीज़ इसकी MRP है, बट मैंने लिया था 1100 समथिंग में, उस समय ऑफ़र चल रही थी। मैं मेकअप शॉपिंग ऑफ़र्स के दौरान ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे बहुत सारा लेना होता है। एंड यस, ऑरेंज करेक्टर, इसका जो ऑरेंज करेक्टर है इतना डीप नहीं है, अगर आपके आई सर्कल्स ज़्यादा डार्क नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मेरे आई सर्कल्स कैसे हैं, आप अगर मेरे मेकअप वीडियोस देखते हैं तो आपने देखे होंगे, दिस नॉट वर्क्स रियली वेल। फुल कवरेज मेकअप में तो कवर हो जाता है इसको लगाने के बाद, बट अगर मैं मीडियम कवरेज मेकअप करूँ तो इसको लगाने के बाद डार्क सर्कल्स कवर नहीं होते हैं। ओके, एंड दिस स्मेल्स रियली नाइस, रियली लिटिल फ्रेगरेंस, बहुत हाई फ्रेगरेंस नहीं है। येलो वाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ब्राइटनिंग के लिए है। कवरेज तीनों की सेम ही है, मीडियम कवरेज है, लो टू मीडियम कवरेज है एंड मिरर इज़ रियली क्लीन। माय ग्लैम के प्रोडक्ट्स में जितने भी मिरर मिलते हैं ना, बहुत ही क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है इनमें। मैंने अभी अभी मनीष मल्होत्रा 9-in-1 आई शेडो भी पिछले हफ्ते शेयर किया था, उसका भी मिरर बहुत अच्छा है। सो मिरर के मामले में तो बहुत अच्छा है। पैकेजिंग इज़ रियली रॉयल एंड कॉम्पैक्ट, क्रीजिंग बहुत जल्दी होती है। यू नो, इस साइड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस साइड पे आधा भी अप्लाई नहीं हुआ था, यहाँ पे क्रीजिंग शुरू हो जाती। सो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तुरंत ब्लेंड करने के बाद उसे पाउडर से सेट कर दो, बट आईलिड पे तो पाउडर से सेट करने के बाद भी क्रीज करने लगता है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। सो दैट्स व्हाट आई डिडंट लाइक अबाउट इट। एंड कॉम्पैक्ट है, अगर आपको लाइट कवरेज मेकअप पसंद है, इसमें अलग अलग शेड्स आते हैं, जस्ट लाइक इसमें ये ऑरेंज शेड दिया है तो इसमें ऑरेंज की जगह वो कंटूर वाला शेड दिया होगा, ब्राउन शेड, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग शेड्स हैं अवेलेबल, आप वो ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, माय ग्लैम की ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, फ्री में लिपस्टिक्स भी मिलते रहते हैं। सो क्रीमी तो बहुत है, क्रीमी तो बहुत है भाई, ये मैच कर रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑरेंज वाला दिखा देती हूँ। देखो ऑरेंज, उतना ज़्यादा ऑरेंज नहीं है,
एंड येलो इज़ मोर येलो, राइट। तो क्रीमी है, आसानी से ब्लेंड हो जाता है, बस वही क्रीजिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। ये देखो लाइन्स दिख रहा है आपको, मैंने यही लगाया हुआ है अभी, ये देखो दिख रहा है आपको, जबकि पाउडर से अच्छे से सेट किया है उसके बावजूद ये हाल है, बहुत जल्दी क्रीजिंग होने लगती है। 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी और क्रीजिंग होने लगी है सेट करने के बाद भी। सो ऑयली स्किन मत यूज़ करना, नॉर्मल स्किन वाले से यूज़ कर लेना। ड्राई स्किन है तो मेक स्किन अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद इसको यूज़ करना, ऑयली स्किन वाले यूज़ मत करना, बहुत जल्दी क्रीजिंग होने लगेगी। एंड बाकी तो जिस हिसाब से क्वालिटी है उस हिसाब से प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे। एंड पैकेजिंग इज़ रियली नाइस, स्मेल इज़ रियली नाइस, कॉम्पैक्ट है, अगर आपको सूट कर गया तो आप इसी के साथ अपना पूरा मेकअप कर सकते हो, जस्ट एक ये और एक कॉम्पैक्ट पाउडर और आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें करेक्टर है, कंसीलर है, फाउंडेशन है। सो 5 in 1 तो है बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को कुछ नया पता चला होगा इसमें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।